ना ही त्यौहार बेटे और मां का है और ना ही मां और बेटी बाप और बेटी का, ठीक है ना, हमने बना लिया। लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे अंग्रेज से पूछेंगे ना, वो आपको कहेगा कि आपको मुझे नहीं कहना चाहिए, हम बहनों के वैलेंटाइन डे पर, वो बहन है तेरी, तुझे क्या कह रहा है। ये है क्या वैलेंटाइंस डे? पर क्यों लोग इसको इतना पुरजोर तरीके से मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे सिर्फ बिजनेस है। फूल इस दिन 100 रुपए का भी मिलेगा, 300 का भी मिलेगा। उस दिन हमने काला गुलाब एक लिया मुफ्त में, और वो उस दिन मिल गया। आज अगर काला गुलाब मांगेंगे तो आपको 1200 का भी मिल सकता। मैं दुबई में था तो मुझे पहली दफा जिंदगी में दुबई गया, तो मैंने वापसी में सोचा अपनी मिसेस के लिए मैं कुछ खरीद लूं। तो मुझे नहीं था पता कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो मैं एक लाल सा बैग पसंद किया। मैंने कहा ये ले चलता हूं, तो इसलिए नहीं कि वैलेंटाइन डे था, इसलिए क्योंकि लाल रंग मेरी मिसेस को पसंद है। तो मैंने जब वो बैग पसंद किया तो उस पूरे मॉल के चक्कर लगाते लगाते मैं ये भूल गया कि वो बैग कहां पसंद किए। तो हम पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं ना, पहले रेट चेक करते हैं फिर चीज चेक करते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, तो मैंने चलते चलते एक जगह पे देखा कि वहां वो पड़ा था, मैंने वो उठाया, मैंने कहा ये भी कर दें। तो उसने कहा कि ये तो इतना महंगा है। तो मैंने कहा ये तो अभी मैंने पड़ा था, सस्ता था। तो उसने फिर मुझे कहा कि फिर मैं आपको बताती हूँ कहां पड़ा होगा। तो वो मुझे लेके गई पीछे एक स्टॉल के ऊपर, सेम बैग सेम पर्स पड़ा हुआ था। उसने कहा ये खरीद ले, मैंने वो उठाया और फिर मैं वापस उस जगह पे आया जहां बिल्कुल वैसा पर्स पड़ा था। और मैंने दोनों को जब इकट्ठे में ला के देखा तो कोई रत्ती बराबर भी फर्क नहीं, फर्क था 300 दिनार का, जो उस बैग में ज्यादा थे जिसको वैलेंटाइंस डे लिखकर बेचा जा रहा था, और उसमें कम थे जिसपे वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ नहीं था। वैलेंटाइंस डे इज अ बिजनेस डे। मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए क्या हमें किसी दिन की जरूरत होती? मुझे तो नहीं होती। मुझे तो जब अपनी खानदानी जिंदगी में अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, अपनी औलाद से, अपने शरीके हयात से मोहब्बत का इजहार करना होता है तो करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर साल में एक दफा वैलेंटाइंस डे मनाने पे हमारी बीवियां राजी हो जाएं, बंदों की जान छूट जाएगी, हर महीने सूट ही नहीं लाके देना पड़ेगा। नहीं ऐस पास नहीं आना भाई साहब किसी ने, तो तुम तो बोलो ना, बढ़ता ही नहीं। तो अर्ज कर रहा था जी कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये दिनों वाला मुआशरा नहीं है, ये अंग्रेजों के खेल है। बंदा किसी और जगह बैठा है, बीवी किसी और जगह बैठी, वैलेंटाइंस डे पे वो छुट्टी करके इकट्ठे होते हैं, गपशप मारते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, रफाकत करते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं, इधर रोजाना मियां बीवी की जिस घर में लड़ाई नहीं होती वो घर दिखाए, कभी चाय पे, कभी कपड़ों के इस्त्री करने पे, कभी बच्चों के स्कूल ना जाने पे, कभी बच्चों को लेट कराने पे। तो हम जिस माशरे में रहते हैं ये मोहब्बत की चाशनी से भरा हुआ माशरा है, इसमें हमें मोहब्बत का कोई दिन मनाने की जरूरत नहीं। इसलिए पहली बात कि वैलेंटाइंस डे प्योरली बिजनेस है और ये मसीही त्योहार नहीं, ये बात याद रखें। आप जरा कभी नेट के ऊपर सर्च करें कि आपके इस त्योहार के बारे में कितना कितना घटिया और गंदा लोगों ने लिखा हुआ है,
और मसीहियत के ऊपर इस त्योहार को लेकर उन्होंने कितना कीचड़ उछाला होगा। पढ़े तो सही, कभी आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि जितना वो घटिया में समझते हैं इन बेकार की चीजों की वजह से आप उनका सामना नहीं कर सकते। और ये बातें ये ना समझे कि किताबों में, ये वो बातें जो हमारे माशरे में हर दूसरे आपके मिलने वाले वाकफकार दोस्त और गैर मसीही इंसान को पता है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को याद रखें कि ये कोई मसीही त्योहार नहीं। आज से कुछ 700 साल पहले किसी बंदे ने कहा कि जी हम इसको भी अपने दिनों में शामिल कर लें, तो उसे कहा कि दिन में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन लोग अगर मनाना चाहते तो मनाते रहे। तो तब से ये बिजनेस बन गया। बाद में वो जो बंदा था जिसने ये सजेशन दी कि हमें इसको मनाना चाहिए, वो क्रिश्चियन निकला। इसलिए इसको समझा जाता है क्रिश्चियनों का त्यौहार है, और अगर आप कहते हैं क्रिश्चियनों का त्यौहार नहीं है, तो फिर वो आपको दिखाएंगे हमारी वो आबादियां जहां आज फूलों की दुकानें बूट पॉलिश करने वाले पठानों ने भी लगाई गई है। तो बताने की जरूरत है कि मसीही जो कुछ भी करते हैं वो मसीहियत नहीं। बाइबल में कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको वैलेंटाइंस डे का या ऐसे किसी दिन का कि आप साल में 364 दिन जो कुछ मर्जी करें 65वें दिन आप मोहब्बत करें। खुदा ने इंसान को बनाया उसे इंसान की जरूरियात का, इंसान की हर एक चीज का पता है, और उसे नहीं पता, उसे पता है कि इंसान 364 दिन नहीं रुक सकता कि एक दिन मोहब्बत की जाए और 364 दिन एक दूसरे को देखा भी ना जाए। क्या मोहब्बत का इजहार करना गलत है? इश्क का इजहार करना गलत है? मोहब्बत का इजहार करना दुरुस्त है, क्योंकि मोहब्बत बेराह रवि नहीं। मोहब्बत में आप गलत फैसले नहीं करते, मोहब्बत में आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक बहन का इंटरव्यू किया, हम कहीं बैठे हुए थे, टाइम नहीं था, पास हो रहा, तो मैंने ऐसे उसे पूछा कि आपने सारी उम्र शादी क्यों नहीं की? तो उसने मुझे कहा, भाई साहब मेरे बहन भाई थे छोटे, और मैंने सोचा कि अगर मैं इनको पाल लूं तो यही मेरी औलाद होंगे। तो मैंने उनको पाला, जवान किया, वो सारे अपने अपने घरों में हैं, कारोबार कर रहे हैं, सब सेट हैं, ये है वो है, और वो पता कहाँ पड़ी हुई थी, ओल्ड होम में। तो मुझे बड़ी मतलब दिल किया कि मैं उस बहन को सलाम करूं, क्योंकि ये मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं जिसको एक गुलाब के फूल की जरूरत पड़े, ठीक है। इसलिए ये बात याद रखिए कि हमें सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए इस मोहब्बत को याद करने के लिए। क्या आज वैलेंटाइंस डे है, आज हम चॉकलेट खा लेते हैं, आज हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कीप लव योर फैमिली, योर वाइफ, योर हस्बैंड, अपनी बीवी, अपने शौहर और अपने खानदान से, अपने इस दुनिया से मोहब्बत रोज करने की जरूरत है। रोज अपने ताल्लुक को गहरा करने की जरूरत है। और कई दफा जो लोग बहुत ज्यादा कारोबार में, दुनिया में, दुनियादारी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका मसला ये होता है कि उनकी फैमिली उनके हाथ से निकल जाती है, और फिर वो सारी उम्र कोसते रहते हैं अपने आप को भी और फैमिली को भी। इसलिए इस ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। वैलेंटाइंस डे को कैसे मनाएं? अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगे तो मुझे अभी माफ कर दीजिए। वैलेंटाइंस डे सिर्फ शादीशुदा लोगों का त्यौहार है, और जो 700 साल पहले मोहब्बत का मतलब था ना, जब इसे शुरू किया गया था, उसका मोहब्बत, उस मोहब्बत का वो मतलब नहीं था जिससे मजबूर होके हिंदुस्तान में लोग लोगों की शादी करा देते। पाकिस्तान में टांगे सोटे लेके लोग पार्कों में खड़े हैं कि किस टाइम कोई बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दें। तो ये बेराह रवि है जिसे मोहब्बत का नाम दिया गया। मेरे नजदीक
शादीशुदा लोगों का त्यौहार है, मंगेतरों का त्यौहार है, और कोई भी मंगेतर ऐसा बेवकूफ नहीं होता कि अपनी मंगेतर को लेके किसी पार्क में बैठ जाए। ना ये त्यौहार बेटे और मां का है और ना ही मां और बेटी बाप और बेटी का, ठीक है ना, हमने बना लिया। लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे अंग्रेज से पूछेंगे ना, वो आपको कहेगा कि आपको मुझे नहीं कहना चाहिए, हम बहनों के वैलेंटाइन डे पर, वो बहन है तेरी, तुझे क्या क्या बाप है तेरा, तुझे क्या कर रही। हमेशा याद रखें, जुमलों को लफ्जों को सोच के बोला कर, और अगर नहीं पता ना बोला कर, गलत बोलने से ना बोलना ज्यादा बेहतर। इसलिए ये बात याद रखें, ये त्यौहार सिर्फ शादीशुदा, ये शादी के रिश्ते में किसी हद तक बंधे हुए लोगों का, मंगेतरों का हो सकता है।